मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, नई दिन, नई सुबह, नई शुरुआत, और आज की शुरुआत बहुत जल्दीबाजी में हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को आज फिर से, जैसे उस दिन मैं जगह गया था कंपनी में पिकअप पे, वैसे अभी फिर पिकअप पे जा रहा हूँ। एक कंपनी का अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स पार्सल है, वो जाएंगे बैंगलोर। तो अब मैं यहाँ से अभी जाऊँगा वही अपना 20 किलोमीटर टूर सेक्टर 83 में कंपनी, मैंने आपको बताया था उस दिन, वहीं जाऊँगा वो कंपनी से कुरियर उठाने, और कुरियर उठा के फिर आऊँगा मैं तो डिलीवरी स्टार्ट करने। तो आज भी उस दिन तेरा टाइम डिले हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे बने रहिएगा साथ में। अब देखिए, कंपनी का अर्जेंट कोई पार्सल जाएगा तो आपको लेने जाना ही पड़ेगा, तो बस वही जा रहा हूँ लेने में। और आज का मेन टॉपिक जो मैं कवर करूँगा फ्रेंड्स, वो है इंडियन स्पीड पोस्ट ज़्यादा अच्छा होता है या प्राइवेट कोरियर से ज़्यादा। अगर आपको किसी कोरियर से भेजना है, अपना कोरियर कहीं भी सामान भेजना है, तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं कि प्राइवेट कोरियर से भेज सकते हैं। मैं आपको आज इसके ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा फ्रेंड्स। बाकी आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और पूरी देखा करें दोस्तों, स्किप करके देखते हैं, मेरे में दिखता है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम लोग का कोरियर वालों का एक दिक्कत और रहती है, अगर गाड़ी कहीं पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो हम लोग का समय बढ़ जाता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं पिकअप पर निकला था सुबह सुबह कंपनी के, अर्जेंट पैकेट लेने मुझको जाना था सेक्टर 83, फिर वहाँ से मुझको जाना पड़ा, लेकिन गाड़ी मेरी पंचर हो गई है, अब मैं गाड़ी बनवा रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है, तो समय आपको आधे घंटे एक घंटे का समय लेके चलना पड़ता है दोस्तों, पंचर हो जाए गाड़ी या कुछ भी हो जाए तो ऐसा रहता है। अभी मेरी गाड़ी पंचर हुई, मुझको 20 मिनट 25 मिनट मेरा ख़राब हो गया, आप बता सकता हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों, अब जाऊँगा ऑफिस, फिर वहाँ डिलीवरी स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे होता है आपको बताते हैं। मिलते हैं आपको आगे डिलीवरी के। और आज वो लड़का आ गया है तो आज टाइम बचेगा अपना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये दो पैकेट है मेरे, मैं डिलीवरी करने आया हूँ। ये लिफ्ट में हम लोग जा रहे हैं पैकेट डिलीवरी करने, मैं आपको आज दिखाऊंगा कि हम लोग डिलीवरी कैसे करते हैं। दोस्तों, आप देखिएगा मेरे साथ साथ, अभी हम लोग लिफ्ट में निकले हैं, बाहर जा रहे हैं डिलीवरी करने। और देखा आप लोगों ने, मैं अभी वो दो पैकेट डिलीवरी करके आ रहा था और वो दो हो गए। अब मैं आगे चल रहे हैं हम लोग दोस्तों दूसरा पैकेट डिलीवरी करने। ऑलमोस्ट डिलीवरी ख़त्म है, कहीं कहीं होता है जब हम लोग को घर के अंदर आना देने पड़ते, वरना हम लोग को बाहर ही दे देते हैं। हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स आगे, वहाँ डिलीवरी करते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे, तब तक के लिए। तो दोस्तों, अपना पिकअप स्टार्ट हो गया है, पिकअप मतलब खत्म हो गया, आप देख सकते हो सब पार्सल हैं, ये सब बुक हो गए हैं, लोड लगने का टाइम हो रहा है। आज बहुत जल्दी है काम हो गया दोस्तों, क्योंकि आज 7 बज रहा है, आज करवा चौथ है, इस वजह से सारी कंपनी हम लोग को माँ जल्दी देती। तो ये देख सकते हो आप, वहाँ भी डिस्पैच हो रहा है, दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, वो देखिए वहाँ भी डिस्पैच हो रहा है, सारा रेडी हो गया, गाड़ी आ रही है और अब माल निकल जाएगा यहाँ से। आज थोड़ा काम जल्दी हो गया, काम तो था काफ़ी लेकिन जल्दी हो गया वो करवा चौथ की वजह से। तो दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक था स्पीड पोस्ट और प्राइवेट कोरियर। देखिए, स्पीड पोस्ट जो होता है वो सस्ता होता है, प्राइवेट कोरियर होता है वो महंगा होता है। लेकिन स्पीड पोस्ट जो अगर आप भेजोगे तो आपको डिलीवरी होने में 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी। और सबसे बड़ी बात, आप उसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते दोस्तों किसी को। लेकिन अगर आप प्राइवेट कोरियर में 50 रुपये खर्च करते हो या 60 रुपये, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो और कंप्लेंट का फॉलोअप आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सबसे बड़ा अंतर ये, लोग कहते हैं कि भाई DTDC से भेजा मैंने, DTDC वाले ने मुझे लूट लिया, ब्लू डार्ट वाले ने मुझको 450 रुपये लेके ठग लिया, और स्पीड पोस्ट सस्ता है। तो देखिए, स्पीड पोस्ट सस्ता है लेकिन सर्विस की अगर आप बात करोगे तो सर्विस की बात में आपको फेल हो जाएगा स्पीड पोस्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ख़राब है, गाँव के एरिया में स्पीड पोस्ट ही डिलीवरी करता है, लेकिन आपका टाइम बहुत ले ले। इस बात को कन्फर्म करने के लिए आइए, मैं आप लोग से अपने ऑफिस के इंचार्ज से मिला था। आइए गोविंद जी, ये हमारे ऑफिस के इंचार्ज सर हैं, गोविंद सर, अपना पॉइंट थोड़ा इस बात पे रखिए स्पीड पोस्ट और प्राइवेट के बारे में। ओके, सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, एंड आई आल्सो एक्सप्लेन अबाउट स्पीड पोस्ट एंड नॉर्मल प्राइवेट कोरियर सर्विसेज। सबसे जो मेन टॉपिक अभी हमारे साथी ने बताए मिस्टर प्रफुल्ल जी ने, कि हम कंप्लेन से रिलेटेड जो वर्क करते हैं प्राइवेट कोरियर्स में, हम सीनियर लेवल के SGM लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट में ये कंप्लेन से रिलेटेड वेरी पुअर रेस्पॉन्स है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट टाइम पीरियड यानी कि 45 डेज टू एबव होती है। तो बहुत ये पॉइंट्स और है, बस मेजर डिफरेंट यही है कि अगर कंप्लेंट के रिगार्डिंग है तो वो यहाँ पे स्पीड पोस्ट फेलियर सा प्रूफ होता है कंप्लीशन एज प्राइवेट सेक्टर कोरियर्स में। यही सजेस्ट करेंगे, यदि इम्पोर्टेंट चीज़ है
तो आप हम लोग प्राइवेट कोरियर्स को ही यूज करें, क्योंकि आप जगह जगह हमारे वेंडर्स भी होते हैं हर एक सेक्टर में, चाहे वो टेकों के सॉल्यूशन है बताओ, जहाँ वर्क होता है अधिक वहाँ कंप्लेंट्स भी होती है, लेकिन जो कंप्लेंट सॉल्यूशन वाला पॉइंट होता है वो इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी रिजॉल्व होता है। दैट्स ऑल एंड गुड नाइट नाउ मी टू माय टीम प्रफुल्ल जी come back and talk with you. तो दोस्तों जैसे कि हमारे इंचार्ज सर गोविंद सर उन्होंने बताया, तो गोविंद जी लोग बोलते हैं कि ये सस्ता है, सस्ते से भेजो, प्राइवेट वाले बहुत पूछते हैं हमको, प्राइवेट में बहुत महंगा और स्पीड पोस्ट करो, लोग ये सजेस्ट करते हैं, जबकि उनको स्केट नहीं पता है कि आप स्पीड पोस्ट सस्ते में तो भेज दोगे लेकिन आपको सर्विस भी कितनी दिक्कत आएगी। मेन प्रॉब्लम बहुत ही है और आप उसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते, जैसे कि इन्होंने बताया ये दिन भर दोस्तों कंप्लेंट में लगे रहते हैं कि जो हम लोग क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, वो जो पार्सल भेजते हैं फॉलो अप करके तुरंत ही डिलीवरी करवा दें, हमारे पास अर्जेंट सेक्टर भी है, अर्जेंट सर्विस भी है, लेकिन स्पीड पोस्ट में क्या है, कुछ नहीं है स्पीड पोस्ट में। अगर आपको अभी गोविंद जी ने बताया, अगर आपको कोई भी चीज़ एकदम आराम से भेजनी है कि बस पहुँच जाए, तो आप स्पीड पोस्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइवेट कोरियर ही यूज करें। तो बस यही था, आज ये हमारे सीनियर और प्लस एक्सपर्ट हैं इस मामले में, मैंने सोचा आपकी नींद की राय आपको दिखाया था दोस्तों। बाकी कल फिर से मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, नया दिन नई शुरुआत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, गुड नाइट।